गाइज़ वेलकम बैक टू अवर चैनल पॉलिटिकल साइंस क्लासेस, माय सेल्फ सोनम चौहान। तो गाइज़ आज की हमारी क्लास का टॉपिक है फैक्टर शेपिंग द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के बाद से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले कारक। तो इसमें वन बाय वन करके सारी चीज़ें क्लियर आउट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम मीनिंग्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम की, कि एक्चुअल में राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ क्या है। वैसे इसके अर्थ की अगर बात करते हैं तो अर्थ कहीं भी लिमिटेड शब्दों में एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो किसी भी टॉपिक को आप लिमिट वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यानी कि उसके अर्थ, उसके डेफिनेशन बहुत सारे मिल जाएंगे, बट एक सिंपल जो उसका अर्थ है उसको लेकर के ही हम चलेंगे, ठीक है। उसके बाद इंडिया के परस्पेक्टिव से पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके का है भारत में वो बात करेंगे, और बाद में एटलीस्ट जो फैक्टर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी वीडियो पसंद आती है तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आप लेक्चर अटेंड करते हो बट यार आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? क्योंकि जब मैं एनालिटिक की जो रिपोर्ट है वो मुझे देखनी होती है तो उसमें 80% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है बट वो अटेंड करते हैं लेक्चर्स। तो नोटिफिकेशन के लिए यार सब्सक्राइब कर दिया करो, क्या जाता है, एक बटन ही तो दबाना है आपको, नीचे बेल आइकन को प्रेस ही तो करना है। उससे आप ही को फ़ायदा होने वाला है कि इन फ्यूचर कभी भी मैंने दोपहर में वीडियो डाल दी, भाई कोई ऐसी इमरजेंसी कोई अपडेटिंग ऐसी मुझे देनी होगी तो आपको क्या पता लगेगा, आपको तो माइंड में ही रहेगा कि मैम का लेक्चर सुबह आता है या कभी कभी शाम में आता है। दोपहर में अपडेटिंग के लिए नोटिफिकेशन आएगा ना आपके पास में, आप परमानेंट तो यूट्यूब पर नहीं बने रह सकते कि भाई आप पूरे दिन यूट्यूब चलाते हो। वो नोटिफिकेशन फिर आपको इमिजिएटली ये बताता है कि भाई ये नोटिफिकेशन आया है, इस ये अपडेट है, और फटाफट से आप देख लेते हो। तो फ़ायदे होते हैं चीज़ों के, हम बार बार इसलिए कहते हैं कि जो हमारी मेहनत है वो इमीजिएटली वो वहाँ तक आपके पास पहुँचे जो भी काम है, ठीक है। तो फटाफट से चलिए फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, नीचे बेल आइकन को प्रेस कर दो, और जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हमारा टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, और टेलीग्राम पर सारे वीडियो की जो भी हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों की PDF नोट्स में आपको प्रोवाइडेड हो जाती है। कभी कभी देर हो जाती है यार अगले दिन, लेकिन हो जाती है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको क्लियर आउट कर दूँ, काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक है जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गया, प्रेशर ग्रुप हो गया, वो आपके कुछ स्टूडेंट्स के जो सेकंड सेमेस्टर है वो उसमें भी दें, लेकिन ये थर्ड सेमेस्टर में भी टॉपिक आ गया घूम करके, तो वो दोनों का जो PDF है वो आपको एक ही उसमें मिल जाएगा, यानी कि वो सेकेंड सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर का इक्वल होगा। थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है, कभी फटाफट से स्क्रॉल कर देगा कि तो थर्ड का नहीं, ये तो सेकेंड का नहीं, थर्ड और सेकेंड दोनों इसमें मैंशन होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यार देख करके पेशेंस करके चीज़ों को देख लिया करो। और एक बात और क्लियर आउट कर देना चाहती हूँ, लास्ट पॉइंट है मेरा बताने का, कि कुछ बच्चे को मैसेज आते हैं मैं कि मैं ये तो थर्ड सेमेस्टर में है ही नहीं है, हमारा तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। तो मैंने पूछा कि आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ बताइए। देखिए सेमेस्टर्स में BA आई है लेकिन सिलेबस कहीं पर चीज़ें सेकेंड सेमेस्टर में, कहीं पर चीज़ें थर्ड सेमेस्टर में है, चीज़ें उथल पुथल हैं लेकिन टॉपिक सेम है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप थर्ड सेमेस्टर में पहले वो पढ़ लिया, आपने सेकंड सेमेस्टर में पहले वो पढ़ लिया तो आगे पीछे है पेपर। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लगातार कंटिन्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड एग्जैक्टली एक लेवल पर चल रहा है, लेकिन कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वीडियो को जब आप क्लासेस देखते हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये सेकेंड में या थर्ड सेमेस्टर में मैडम क्या पढ़ा रही है, हमारा तो नहीं है। तो थोड़ा सा इतना ध्यान रख लिया करो, भाई अदर यूनिवर्सिटी का भी तो हो सकता है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, अब लेक्चर को अपना स्टार्ट करते हैं, वापस से अपने लेक्चर पर आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था के अर्थ के बारे में, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। इस व्यवस्था का सृजन सार्वजनिक जीवन में हिस्सा लेने वाले उन व्यक्तियों की क्रियाओं के माध्यम से होता है जो समाज हेतु, यानी कि जो समाज में जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं, जो उनको एग्जीक्यूट किया जाता है, उनके साथ किसी तरह से वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। यानी कि ये एक ऐसी व्यवस्था है, समाज का हर एक व्यक्ति इस व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, और इसमें जितनी भी पॉलिसी, जितने भी नियम कानून बनाए जाते हैं, बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम ही ऐसा होता है भाई, जो भी काम हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली चाहे डायरेक्टली हम और आप, हम सब लोग इससे जुड़े हुए हैं, इसकी क्रियाओं से जुड़े हुए हैं, इनके एग्जीक्यूशन से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं जुड़े जरूर हैं, ठीक है। तो व्यवस्था शब्द व्यापक है, बहुत ही ब्रॉड है,
लिमिटेड नहीं है कि भाई व्यवस्था है चलो लिमिटेड नहीं, उसमें वो सभी तरह की इनडायरेक्ट या डायरेक्ट हर तरह की एक्टिविटी, हर तरह की वैल्यूज़, हर तरह का स्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। व्यवस्था का मतलब जानते हो कि भाई चीज़ों को व्यवस्थित कर देना, तो उसमें वो सारी प्रक्रियाएँ, सारी एक्टिविटी, सारी पॉलिसी, सारा स्ट्रक्चर, सारी वैल्यूज़, सारे डायरेक्शन, चाहे वो इनडायरेक्टली हो चाहे वो डायरेक्टली हो, वो सब उसमें इंक्लूडेड हो जाते हैं। तो यही व्यवस्था है। व्यवस्था का मतलब आप ना ऐसे समझना कि आपके पास बहुत सारा सामान है लेकिन वो बिखरा हुआ है। तो घर में आपके पास आपकी मदर आती है सामने, ठीक है, वो कहती है कि ये क्या तुमने रूम की हालत बनाई हुई है, सब कुछ बिखरा हुआ है, इसको व्यवस्थित क्यों नहीं करते, व्यवस्थित। तो अब आप समझ रहे हो ना, व्यवस्थित करना चीज़ों को, जो इधर उधर की वैल्यूज़ हैं, जो इधर उधर एक्टिविटी, जो पड़ी हुई चीज़ें, उनको एक जगह पर संयोजित करना, एक जगह पर व्यवस्थित करना। तो राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसा शब्द है जिसने पिछले वर्षों में काफ़ी ज़्यादा अपना प्रचार किया है, बहुत अधिक प्रचार किया है, और इसका जो रिज़ल्ट सामने आया है, इसका जो परिणाम ये हुआ है कि उसने राज्य को मंच के एक हाई लेवल से दूर कर दिया है। तो व्यवस्था एक ऐसा शब्द है जिसमें हम सब उससे बहुत अधिक परिचित है, हम सब उस व्यवस्था के बारे में जानते हैं, और इसका अर्थ कुछ कारकों के समूह में होता है जो आंतरिक कार्य के परिग्रह में रहा करते हैं, ठीक है, यानी कि इंटरनल। भाई व्यवस्था क्या होती है, सबके सामने भी नहीं आती कि किस तरह की व्यवस्था है, वो इंटरनल पार्ट होता है पूरी राजनीति का। तो कुछ एक्सटर्नल भी है, कुछ इंटरनल भी। अब बात करते हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, अगर हम अपने देश, अपने इंडिया के प्रस्पेक्टिव से बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था की। तो कुछ व्यक्ति भारतीय संविधान को ही भारतीय राजनीतिक का जो व्यवस्था है उसे उसका ही अर्थ मानने लगते हैं कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वही भारतीय राजनीतिक व्यवस्था होगी, तथा जो दूसरे विद्वान हैं वो भारतीय राज्य व्यवस्था को स्वयं के निर्माण अवस्था मान रहे हैं। कि भाई जो विद्वान होते हैं लोग वो ये मानते हैं कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था है वो हमारे द्वारा क्रिएट की गई है, ठीक है। तो वस्तु रूप से भारतीय राज्य व्यवस्था न तो संविधान मात्र है और न ही निर्माणाधीन। उसी दिन राज्य व्यवस्था का निर्माण हो चुका था जिस दिन भारत की संविधान निर्मात सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव एवं संविधान की प्रस्तावना पर अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। तो ये तब से चली आ रही व्यवस्था, ये किसी के थ्रू क्रिएट नहीं की गई या फिर संविधान में इसको इंक्लूड नहीं किया गया अलग से। तो आप समझ रहे हैं ना, ये नेचुरल है कि जब से भारत का संविधान बना है उसके साथ साथ चली आ रही है कि कैसे एक्टिविटी हो रही है, कैसे वो वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, कैसे उस चीज़ को व्यवस्थित करके रख रहे हैं। तो सब भी क्या है, ये पॉलिटिकल सिस्टम का ही एक पार्ट है। तो संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप ही राज्य व्यवस्था का ढलना है और न कि उसके प्रतिकूल होना है, ठीक है। तो इसके साथ साथ चली आ रही है। तो कोई विद्वान है, किसी भी किताब में आप देखते हो कि भाई संविधान का ही एक रूप है, संविधान का एक रूप है लेकिन संविधान के साथ साथ चला है। जब से भारत में संविधान बना है तब से लेकर के आज तक ये व्यवस्था उसके साथ साथ चली आ रही है। तो जब हम भारतीय राज्य व्यवस्था पर विचार करते हैं तो उसका अर्थ होता है कि शासन का स्वरूप क्या है, शासन का उद्देश्य क्या है, नीति निर्माण किस तरह होता है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो नीतियों के निर्माणों को प्रभावित करते हैं, जो भी पॉलिसी वगैरह बनती है वो जो क्रिएट की जाती है उनको प्रभावित करती है। राजकार्यों में जनता की भागीदारी किस सीमा तक है ना, कि राज्य की जो भी एक्टिविटीज़ है तो उसमें जो भी जनता है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन किस सीमा तक है, किस लिमिट तक है, तथा जनता के मूल्य यानी उनकी जो वैल्यूज़ है वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या प्रस्पेक्टिव है एक शासन से, उनका डायरेक्शन कैसा है, उनका चरित्र कैसा है, उनके चरित्र के स्वरूप कैसा है, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड की जाती हैं। तो राज्य व्यवस्था में न तो पदों का विन्यास होता है और न ही संवैधानिक कानून होता है कि भाई संविधान में ये चीज़ें लिखी हुई तो राजनीतिक व्यवस्था उसी के अकॉर्डिंग चलेगी। तो भारत की राजनीतिक प्रत्येक दिन नवीन मोड लेती है। कहने का मतलब है कि भारत की जो पॉलिटिक्स है वो बेसिकली एक फ्लेक्सिबल पॉलिटिक्स है, कि आज किस तरीके से काम हो रहा है कल क्या उसमें पलटवार हो जाए कुछ कह नहीं सकते, तथा प्रतिदिन नवीन आयाम प्रकट होते रहते हैं, नए नए फैक्टर सामने आते रहते हैं, नए नए तरीके सामने आते रहते हैं। आप देखते तो है भारत की पॉलिटिक्स बाकी अदर कंट्री की अगर हम कंपेयर करते हैं तो बहुत डिफरेंट है। कुछ भी यहाँ परमानेंट नहीं है, वैसे तो परमानेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर पॉलिटिक्स की भी बात करें तो आज जो कुछ हो रहा है कल अचानक से आपकी आँख खुलती है वहाँ पर चीज़ें बदल जाती हैं। तो इस तरह की भारत की पॉलिटिक्स है। करते हैं फैक्टर्स की, कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले कौन कौन से कारक हैं, यानी कि कौन कौन से फैक्टर हैं, यानी कि फैक्टर शेपिंग द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया।
कि जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था जो भी बनी है उनमें किस किस का कितना कितना कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आएगा संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक कानूनी हिस्सा नहीं है, प्रस्तावना हमारी राज्य व्यवस्था के स्वरूप का निर्धारण करती है कि हमारी या हमारे देश की जो राज्य व्यवस्था है वो किस तरीके की है, क्या क्या चीज़ें इसमें रखी गई हैं, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन का जब आप प्रीएम्बल पढ़ोगे तो बेसिकली आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ना पढ़ करके उसका प्रीएम्बल अगर आप पढ़ोगे, थोड़ी सी भी आप में समझोगे तो आप आइडिया लगा सकते हो कि भारत की राज्य व्यवस्था कैसी हुई। ठीक, तो प्रस्तावना के संविधान के जो भी निर्माता हैं, जो भी क्रिएटर्स हैं, उन्होंने हमारी राज्य व्यवस्था को के जो भी बुनियादी आदर्श हैं, जो बहुत पुराने आइडियल हैं, हमारी जो आस्था है, हमारी जो प्रेरणा है, उसको एक आवाज़ दी है। पहला फैक्टर क्या है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है राज्य व्यवस्था को स्टेबल करने में, राज्य व्यवस्था को क्रिएट करने में। ठीक, दूसरा पॉइंट है एकीकरण की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इंटेग्रेशन। तो हमारे राष्ट्र निर्माताओं के समक्ष यानी कि उनके सामने बुनियादी समस्या एकीकरण की थी। तो ये भी एक बहुत ही प्रभावित करने वाला फैक्टर है जिसने भारतीय राज्य व्यवस्था को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे बड़ी अगर हमारे सामने जो चैलेंज था, मतलब उस समय जो भी चैलेंज था लोगों के सामने, वो है एकीकरण का, यूनिटी लोगों में किस तरीके से लाई जाए, यानी नवीन राजनीतिक केंद्र बिंदु की स्थापना, विविधता को एक सूत्र में कैसे बनाया जाए, राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जाए। लोग अलग अलग डायरेक्शंस के थे, आइडियोलॉजी अलग, तो ये भी एक मेन फैक्टर है कि प्रॉब्लम्स थी उस समय पर नेशनल इंटीग्रेशन की, एकीकरण की। एंड देन थर्ड है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत का लिखित संविधान देश की जनता और संपूर्ण विविधतापूर्ण यानी कि जो पूरी डाइवर्सिटी है उसकी संस्कृति वाले व्यक्तियों को जोड़ता है। तो भारत का संविधान जो है, और भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से रिलेटेड लोग रहते हैं, तो ये एक दूसरे को जोड़ करके रखता है। तो संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करके ही जनता को शासन कार्यों में सक्रिय रूप से साझेदार बनाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे वो प्ले करता है राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने का। नेक्स्ट है क्षेत्रता। तो राजनीतिक व्यवस्था को क्षेत्रीय विवाद भी प्रभावित करते हैं, बेसिक सी बात है, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लोग अपने क्षेत्र को, अपने एरिए को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं, उसे डेवलप करने के ऊपर काम करते हैं, और कभी कभी तो इतने ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं अपने क्षेत्र के डेवलप को लेकर के कि राष्ट्र का निर्माण उनके लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, बस अपने क्षेत्र का, अपनी कास्ट, अपने वर्ग का निर्माण करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बेसिकली इससे पहले वाले जो एक लेक्चर्स में लिया है वो पूरा क्षेत्रवाद को लेकर के लिया है, तो उसको भी अटेंड कर लेना। ठीक है, प्रॉपर रूप से वो सारा क्षेत्रवाद उसमें मैंने पढ़ा हुआ है कि क्या है, क्या क्या फैक्टर्स है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। ठीक है, तो क्षेत्र जो क्षेत्रीयता होती है, जो एक तरीके से ये भी बहुत बड़ा फैक्टर सामने आती है राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने में। तो राज्यों के मध्य नदी पानी का विवाद होना, सीमा विवाद होना आदि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो क्षेत्रीय संकीर्णता का परिणाम कहा जा सकेगा। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट है धर्म। तो धर्म ने भारत में राजनीतिक व्यवस्था को बहुत अधिक प्रभावित किया है। भारत का धर्म के आधार पर विभाजन हुआ तथा पाकिस्तान के निर्माण के बाद देश में सिख, पारसी, जैन, ईसाई, बौद्ध धर्म के अतिरिक्त इस्लाम के अनुयायी भी मौजूद हैं। तो अतः लास्ट में कह सकते हैं राज्य व्यवस्था के जो भी स्वरूप है, जो भी स्ट्रक्चर्स है, वो धर्मनिरपेक्ष घोषित करना अनिवार्य था। धर्मनिरपेक्ष ऐसे ही नहीं घोषित होता है कोई देश। जब किसी भी कंट्री में बहुत सारे कैटेगरी के लोग, बहुत सारे रिलीजन्स के लोग एक साथ रहते हैं और वो वहाँ पे खुश हैं रहने के लिए, उन्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो इस तरह की जो भी एक्टिविटी है, इस तरह की जो भी बातें हैं कि भाई धर्मनिरपेक्ष बनाना, तो तब वहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है और अनिवार्य भी होता है, ताकि हर एक धर्म के व्यक्ति को ये फील हो कि हाँ इस कंट्री में हमारे भी कुछ वैल्यूज़ हैं। तो ये सब बातें, ये फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे समायोजन या सहमति के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड कंसेंसस। तो यहाँ पे एक फैक्टर ये भी सामने आता है कि कॉम्प्रोमाइज और कंसेंसस का भी एक प्रिंसिपल है जो वहाँ पर देखा गया, ठीक है, जो प्रॉपर रूप से किसी भी राज्य व्यवस्था को प्रभावित करता है। तो अब ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान की रचना में दो सिद्धांतों से कार्य लिया। ठीक है, जब कोई भी ऐसा थिंकर रिसर्च करता है तो वो बहुत सारे स्टेटमेंट देता है, तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे दो चीज़ें सामने आती है। पहली है कि यह है कि सारे निर्णय, सारे डिसीजन सभी की सहमति से लिए जाए, बहुमत के बल पर नहीं लिए जाएं कि भाई जो मेजोरिटी में है आपने उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर डिसीजन लिया। दूसरा है कि यह कॉम्प्रोमाइज़ की जो भी फीलिंग्स, जो भी भावनाएं हैं, यानी अल्पमत
या इससे अलग विचार रखने वालों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी कि किसी भी आधार पर अगर आप निर्णय ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, तो वहाँ पर आपने वोटिंग डलवाई, ठीक है, मेजोरिटी में जो वोटिंग आई कि हाँ भाई बनना चाहिए तो आपने बना डाला, लेकिन जिन्होंने इस पर क्वेश्चंस लगाया कि नहीं बनना चाहिए, उन पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। उनसे भी उनके जो विचार हैं, जो वो सोचते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर गॉडविन ऑस्टिन ने कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट दिए थे कि प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड कंसीशियस भी कहीं ना कहीं भारतीय राज्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला कारक है आफ्टर इंडिपेंडेंट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश विरासत। तो अंग्रेजी शासन का प्रभाव भारतीय राज्य व्यवस्था पर सभी जगह दृष्टिगोचर होता है, और इतना ज़्यादा प्रभाव तो शायद ही किसी फैक्टर्स का होगा जितना ज़्यादा ब्रिटिश लेगेसीज का है। अंग्रेजी शासन में महत्वपूर्ण राजनीतिक और विकास से संबंधित जो भी डिसीजन है वो सरकारी तरीके से किए जाते थे। इसी परिपाटी पर, इसी डायरेक्शन को भारतीय नेताओं ने भी अपनाया, और ब्रिटिश काल में ICS अधिकारी शासन के विशेष स्तंभ थे। ICS जो आज के IAS है, उस समय ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विस, लेकिन आज के हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक, नाम में सिर्फ नाम ही चेंज हुआ है। स्वाधीनता के बाद में राज व्यवस्था में समस्त परिवर्तन, बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं, बहुत सारे ऐसे नई नीतियां हैं जिनका भार, इनका प्रेशर सरकारी सेवाओं पर डाल दिया गया। तो समस्त आर्थिक व राजनीतिक गतिविधियां, जितने भी इकोनॉमी और पॉलिटिकल जो एक्टिविटी थी, उनका संचालन, उनको ऑर्गेनाइज कराना सरकारी अधिकारियों के माध्यम से होता था, ठीक है। तो वहाँ पे ब्रिटिश विरासत भी खुले तौर पर ब्रिटिश सामने नहीं आते थे, वो ICS के माध्यम से वो सारा काम कराते थे। तो नॉर्मली नवीन व्यवस्था में नौकरशाही के अभूतपूर्व विस्तार को ब्रिटिश विरासत ही कहा जा सकता है ना। ये जो ब्यूरोक्रेसी सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार की ही देन है जो आज तक चली आ रही है, और पूरी भारतीय राज्य व्यवस्था को जिसने प्रभावित किया है आफ्टर इंडिपेंडेंट, तो ये भी एक फैक्टर सामने आता है। नेक्स्ट है जाति यानी कि कास्ट। तो कास्ट को लेकर के रजनी कोठारी का एक स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि जाति को बंधन, कि जाति के बंधन को स्वीकार करने और राजनीतिक सौदेबाजी या गठबंधन में उसका सहारा लेने के कारण उसको देश की राजनीतिक व्यवस्था में स्थान देना तथा उसे राजनीतिक संगठन का आधार बनाना आसान हो गया है। अब आप देखते हैं, नॉर्मली पॉलिटिक्स हो जाए, कुछ भी हो, अगर आपको जैसे चुनाव लड़ना है, जैसे चुनाव छोटा है बड़ा है, आप कास्ट के आधार पर, आप कास्ट को सामने रख दो, बड़े आसान तरीके से चुनाव हो रहे हैं। कास्ट इस समय सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है, यानी कि जातिवाद, कास्ट सिस्टम, वो हर जगह आपको मिलेगा, वो हर काम में आपको मिलेगा। आप किसी भी जगह पर चले जाए, किसी भी स्थान पर चले जाए, ये कास्ट सिस्टम वहाँ पर इंक्लूडेड है पहले से ही। और जातियों का अपने संख्या बल के आधार पर संगठन होने लगा है, यानी कि जिस स्थान पर एक ही जाति के बहुत सारे लोग मेजोरिटी हैं वहाँ पर, तो उनका एक संगठन बन जाता है। निर्वाचनों के परिणामों को प्रभावित करने लगी है पूरी तरीके से। और अगर यहाँ पे बेसिकली इसका मीनिंग्स बताएं, तो राजनीतिक दलों के आधार का निर्माण करती है जाति। तो जाति भी एक ऐसा फैक्टर है जो पूरी तरीके से राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती आ रही है और हमेशा प्रभावित करती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। तो आधुनिकीकरण आधुनिक समय की मुख्य आवश्यकता है। हर चीज़ का मॉडर्नाइजेशन होना वहाँ की व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग बनाता है। हमारा समाज आधुनिकता से प्रभावित हुआ तथा समाज के आधुनिकीकरण से राज व्यवस्था है उसके स्वरूप में निखार आया। नई शिक्षा, सरकारी नौकरियां, वयस्क मत अधिकार, व्यवस्था के विस्तार से प्राचीन जाति पाति पर आधारित जो भी व्यवस्था थी उसमें बहुत ज़्यादा चेंज करने को मिला। तो अगर हम यहाँ पे कहें कि मॉडर्नाइजेशन भी राज्य व्यवस्था को प्रभावित करता है, तो हर एक कंट्री मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट करता है, उसके डायरेक्शन पर चलता है, क्योंकि अगर पुरानी गतिविधियों को रिपीट बाय रिपीट आप करते रहे तो आप बाकी कंट्री से बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ये भी चीज़ें जो भारतीय राज्य व्यवस्था को प्रभावित करी, और भारतीय राज्य व्यवस्था में मॉडर्नाइजेशन को जगह मिली, जिसके आधार पर नौकरियाँ हो गई है ना, शिक्षा हो गई, उनको एक नए लेवल पर एक तरीके से डेवलप करने का काम किया गया। नेक्स्ट है सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल। सांस्कृतिक दृष्टि से कुछ राज्य आधुनिक समय में भी परंपराजन्य मूल्यों को जारी किए हुए हैं, यानी कि अगर मॉडर्नाइजेशन में भी देखें तो मॉडर्न है, बहुत सारी चीज़ें आधुनिक समय में आ गई, लेकिन उनकी वैल्यूज़ अभी भी वो पुरानी है, अभी भी वो वहीं पर स्टिल है। जबकि दूसरे राज्यों में वर्तमान जो परिवर्तियाँ हैं, जो प्रेजेंट की एक्टिविटी है, उनको आत्मसात किया है, ठीक है। हर एक राज्य की राजनीति वहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है उसके विषय में विशेष स्वरूप लिए हुए है। तो जो कल्चरल है, ये भी भारतीय राज्य व्यवस्था को बहुत अधिक प्रभावित करने वाला कारक है।
हमारा देश अगर इंटरनेशनल लेवल पर हम प्रेजेंट करते हैं अपने देश को, तो हमारे कल्चरल की वजह से भी बहुत ज़्यादा फेमस है। आप अपने देश के बारे में क्या बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्ट हैं बताने के लिए। तो यही तो क्या है, ये कल्चर है हमारे देश का। तो ये भी काफ़ी बड़ा फैक्टर्स है जो भारतीय राज्य व्यवस्था को प्रभावित करता है। ठीक है, आप चाहकर भी उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उससे उसकी पहचान बनी हुई है। एंड देन नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है कृषि और उद्योग, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो ये तो बहुत ही बड़ा फैक्टर मैं मानती हूँ अपने लेवल पर, कि भारतीय राजव्यवस्था को बहुत बड़े लेवल पर ये प्रभावित करता है, ये एक ऐसा फैक्टर है। ठीक है, तो भू स्वामित्व के मसले भी कृषि व्यवस्था के पृष्ठभूमि पर महत्वपूर्ण रहे हैं। तो पहले क्या होता था ब्रिटिश समय पर, या आफ्टर इंडिपेंडेंस के एकदम से चीज़ें हमारे पास नहीं आई, तो ज़मींदारी थी। ठीक है, बहुत बहुत गाँव की ज़मीन सिंगल एक पर्सन के पास होती थी, वो ज़मींदार होता था उसके खेतों में, यानी कि वहाँ पर लोग काम करते थे, मज़दूर की तरह काम करते थे। तो उसमें बहुत कुछ चेंज किया गया, लोगों को उनके काम, जिस भी वही ज़मीन पर वो काम करते थे, एक संशोधन के तहत उनको वो ज़मींदारी जो प्रथा थी उसको हटा करके उनको वो ज़मीन वहाँ पर दिलाई गई, ताकि वो अपनी जीवन जो है वो अपना चला सके। तो यही क्या है, ये राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित, कुल मिलाकर के सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। और आफ्टर इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं अप डाउन होते रहे हैं, क्योंकि राजनीति है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, आज कुछ है कल कुछ और है, कुछ कहा नहीं जा सकता। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर हमने डिस्कस किए जो प्रॉपर रूप से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को एक आकार भी देते हैं, उनको आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। आई होप सो ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कोई भी ऐसा टॉपिक है जो कम्प्लीटली समझ में नहीं आएगा, सर के ऊपर को जा रहा है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में चीज़ें समझाई जाएँ। और बाकी भाई वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और जो भी PDF मिलेगी आपको टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।